सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं मूत्र भाष्य कृतौ वंदे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। पढ़ते हैं 111वां नंबर से, देखते हैं पर। यथा निरिंधनो वह्नी स्वयो नाव उपशाम्यति तथा भृति क्षया चित्तम् स्वयो नाव उपशाम्यति स्वयो नाव उपशान्तस्य मनसा सत्यकामिनः इन्द्रियार्थ विमूढस्य अनृता कर्म वशानुगाः चित्तमेव हि संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत् यत चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत् सनातनम्। ये उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद, जिसके 8 ऋषाएं ज्यों का तो यहाँ पर पंचदशीकार ने उद्धृत किया। जैसे अग्नि तब तक प्रज्वलित रहती है जब तक उसको लकड़ी मिलती है, ईंधन कोई मिलता है, जब ईंधन शांत हो जाता है तो वह अग्नि भी अपने मूल में शांत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी बुद्धि की जो वृत्ति चलती है, इसको भी बाह्य जगत का कुछ न कुछ ईंधन मिलता रहता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या मैं मेरा तुम तुम्हारा, इसका ईंधन मिलता रहता है। जब ये सब धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, तब यह जो वृत्ति का अपना मूल कारण है स्वयोनो उपशाम्यति, वहाँ पर जा कर के चला जाता है, शांत हो जाता है। असल बात तो यही है कि चित्तम एव हि संसारा, यह जो चित्त है आपका, ये चित्त ही आपका संसार है। यहाँ पर दो शब्द है, चित्तम एव ही संसारः,
ही माने ही का अर्थ किया, ही शब्देन अत्र सर्व अनुभवम प्रमाणयति। ये सभी ऋषियों का अनुभव है, एक ही है ना, उसमें ही लिखा हुआ, ही मतलब किसी एक का कहा हुआ नहीं है, ये सभी ऋषियों का एक मत है इस पर, ये प्रमाण है। एव एव माने चित्तम एव, आपका चित्त ही संसार है, बाहर कहीं संसार है ही नहीं, बाहर तो ईश्वर की बनाई सृष्टि है, जगत है, वृक्ष है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, तालाब हैं, झरने हैं, ये ईश्वर की बनाई सृष्टि है, ये आपको न सुख देती है न दुख देती है। ईश्वर की बनाई सृष्टि में ना सुख है ना दुख है, वो बस केवल जगत है, उत्पत्ति है, स्थिति है और प्रलय। आपका वहाँ पर तादात्म्य हो जाता है, उसमें राग द्वेष पैदा हो जाता है, उसके ऊपर शोभन अशोभन का अध्यास कर देते हो, तो आप कहते हो कि हाँ इस दृश्य को देख करके मैं बहुत सुखी हो गया, ये बगीचा देख करके बहुत सुखी हो गया, क्योंकि आपकी चित्त वृत्ति में है कि बगीचा ऐसा ही होना चाहिए, उसका पेड़ ऐसा छटा हुआ हो, नालियाँ ऐसी हों, डालियाँ ऐसी हों, ये आपका चित्त है। हो सकता है कोई आदिवासी है तो आपके बगीचे से उसको कोई मजा नहीं आएगा, जो कोल भील है आदिवासी उसको कब प्रसन्न होगा, जब बिल्कुल जंगल हो गए तब वो कहेगा हाँ अब बढ़िया जगह पर हम आए। जैसा आपका चित्त वैसे ही आपका संसार, चित्तम एव ही संसार, आपका चित्त ही संसार है। हाँ क्या कहते हैं, जैसा मन वैसे दुनिया, आपको बाहर जो दिखाई पड़ता है वो कहाँ पर है, आपके चित्त में, यही ना, जो है आपको दिखता है कि वो आदमी बहुत अच्छा है, आपको जगत में अच्छाई दिखती है, इसका मतलब आपका चित्त अच्छा है, और आपको जगत में सर्वत्र कमियां दिखती हैं, बुराई दिखती हैं, इसका मतलब आपका चित्त दूषित है। संस्कृत भाषा का सूत्र सुना नहीं याद है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब क्या हुआ, यथा दृष्टि जो आपकी दृष्टि में है वही आपको जगत में दिखाई पड़ता है, अपने चित्त को कब शोधित करोगे जी, कब बढ़िया बनाओगे। हाँ? आपको निंदा बुराई, आपको लड़ाई झगड़ा, आपको खराब चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं, अच्छी चीज़ देखो, चित्तम एव ही संसार, और कहीं कोई संसार नहीं, कहीं कोई सुख दुख नहीं है, आपका चित्त। सूत्र है देखो, उपनिषद का सूत्र है, मैंने पहले बता दिया, मैत्रायणी उपनिषद का है, पंचदशी कार ने रिपीट किया है, तो आपका चित्त ही सब कुछ है। आपका चित्त शांत है तो शांत, आपका चित्त विक्षिप्त है तो, अब कोई कोई बड़े प्यार से, क्योंकि ये स्वभाव में पड़ा है, सबको समझाते रहते, तो हमको भी कह दिया स्वामी जी चित्त को विक्षिप्त मत करिए। तो चित्तम एव ही संसार, समझ लेना हमारा चित्त विक्षिप्त है कल से, दूर से रहना, हाँ नहीं सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा। अरे चित्त ही का तो है, हाँ सही है, चित्त का टॉपिक है, चित्तम एव संसार, आज हमारा चित्त विक्षिप्त है, सामने पढ़ना मत कोई। बिल्कुल यथार्थ सत्य तो यही है, यथार्थ सत्य अगर कहें 99% तो यही है, 99% यथार्थ यही है। ना मैं किसी से घृणा करता हूँ ना प्रेम, ना मेरा किसी से द्वेष है ना राग, जो जिस भावना के साथ आता है उसके साथ मेरा वैसे व्यवहार हो जाता है, बिल्कुल बात तो यथार्थ है। अपने भीतर दुश्मनी का भाव लेके आ गए जो मैं घोर दुश्मन हूँ उसका, अपने भीतर उसके भीतर जैसा चित्त है वैसे यहाँ से प्रतिफलित होने लगता है। चित्तम एव ही संसार, जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु नहीं हमारी मूरत भी वैसे देखेगा, हाँ हाँ वैसे बिल्कुल
किसी के लिए मैं दुर्वासा ऋषि हूँ, वो भी कहेंगे स्वामी जी बड़े गुस्से वाले, और किसी के लिए स्वामी जी बड़े अच्छे। क्या राय, दुर्वासा वाला हूँ कि दूसरा वाला? अब पता नहीं। अब देखो, चित्तम एव ही संसारा, आपका चित्त ही आपका संसार है। क्या भावना है उसमें, देखो, कोशिश करना समझने का। आपके भीतर कैसी चित्त की वृत्ति है, वही, और बाहर कहीं पर भी कुछ नहीं है। कह रहे हैं देखो, एक एक पंक्ति पढ़ता हूँ। यतश्चित्तात्मका संसारः अतस्ततचित्तम एव प्रयत्नेन अभ्यास वैराग्यादि लक्षणेन शोधयेत् रजस्तमो राहित्येन एकाग्रम कुर्यात्। क्योंकि चित्त ही आपका संसार है, इसलिए बड़ा प्रयत्न करिए इस चित्त को शुद्ध करने के लिए। कैसे? दो ही उपाय हैं चित्त को शुद्ध करने के लिए, अभ्यास वैराग्यादि लक्षणेन शोधयेत्, इन्हीं के द्वारा शोधन करिए। देख लेना, मिलेगा भाष्य में कहीं ना कहीं। अच्छा, भाष्य की पंक्ति हमने पढ़ा, हाँ वहीं पर है। हाँ, शोधयेत्, क्या शोधन करें? रजस तमः राहित्य, रजोगुण और तमोगुण निकाल दो इसमें से, और आप अपने चित्त को एकाग्र कर लो। एकाग्र चित्त ही आपके लिए साधन है, वही एकाग्र चित्त ही आपको आगे बढ़ाए। तो तत प्रयत्नेन शोधयेत्, प्रयत्नेन माने अभ्यास वैराग्य के द्वारा इस चित्त का शोधन करो। क्यों? क्योंकि मर्त्यः, जो नीचे पंक्ति है, नीचे आना, मन मर्त्यः माने मरण धर्मा, जो अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा एक दिन, मनुष्य, ये मनुष्य शरीर को मैं मानने वाला, ये यश्चित्त तन्मयः, जैसा इसका चित्त है उसके साथ तदाकार हो जाता है। कैसे? भाष्य में ढूंढ लेना। यौ देही यच्चित्तो यस्मिन् पुत्रादो विषये चित्तवान् भवति सा तन्मयः तदात्मक एव तत साकल्य वैकल्यो आत्मन एव समारोपणात्। यस्मिन् पुत्रादो, आज हमारा पुत्र बड़ा सुखी है, मैं सुखी हूँ। आज हमारा बेटी दामाद को दुख है, मैं बड़ा दुखी हूँ। आज हमारा भाई कष्ट में है, मैं कष्ट में हूँ। आज वो बहुत अच्छा है, एक एक के साथ तादात बना करके आप सुखी दुखी होते रहते हो, एक एक के साथ। पुत्रादो विषय चित्तवान भवत, सारी जिंदगी यही करते रहते हो। हाँ, एक घर का एक बल्ब टूट के गिर जावे तो चित्त में धक्क से होगा कि नहीं? हाँ, होता है ना। क्यों? उससे जुड़े हुए। आश्रम का टूट के गिर जाए तो छुपा दोगे, बोरी डाल दो, दिखाई नहीं पड़े किसी को, ओंकारन को बता देंगे, रामन को बता देंगे कि बल्ब नहीं जल रहा है ना। ये धर्मशाला में और अपने का अंतर होता है, है? अपने यहाँ का जरा सा नुकसान, गिलास टूट जावे फिर देखो, उसके साथ आपका चित्त बिल्कुल चिपक गया है। ये मेरा घर, ये मेरी कपड़े, ये मेरे वस्तुएं, ये मेरे परिवार के लोग, ये मेरा अपना सगा संबंधी, उसके साथ आपका चित्त एकीभूत हो चुका है, गड्ढमड्ढ हो चुका है बिल्कुल। कैसे? लौह तप्त पिंडवत, जैसे आग और लोहा चिपक गया है, छूटता ही नहीं। और उसके कारण तदात्मा के तत्साकल्य वैकल्यो, तो आपके भीतर फिर कभी विचलन होगा, कभी आपके भीतर सुख भी होगा, कभी तो कभी हो, बस मरते रहो उसी में। आत्मनि एव, अब कहते हो आत्मनि एव, अपनी आत्मा में मन लगा लोगे। मैं बड़ा दुखी हूँ आज। क्यों? क्यों दुखी हो? खाना नहीं मिला? बोले खाना तो मिला, खाना मिला। कपड़ा नहीं मिला? कपड़ा भी मिला। फिर क्यों दुखी हो? बोले वो पोते का पोता जो है वो दुखी है। हाँ, तो क्यों दुखी हो? क्यों? क्योंकि आपका चित्त कहीं ना कहीं से तादात में जोड़ के रखा है, बस आप उसी के साथ में फंस गए। चित्तम एव ही संसार, इतना सटीक शब्द है, आप एक शब्द को पकड़ के रखो, आपका चित्त ही संसार है। और जगत में कहीं पर भी ना कोई अच्छाई है ना कोई बुराई है, ना कोई अच्छाई है ना बुराई है, ये ईश्वर सृष्टि है, जो जैसी है वैसी है। साधक हो तो समझो, आपने अच्छे बुरे, शुभ और अशुभ का आरोपण किया, ये आपका जो है
मानसिक आरोपण है, ये आपको संसार में ले जाता है। आप अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हो या नीचे, ऊपर या नीचे, हा? तो अपनी परंपरा से जुड़े रहो, परंपरा से जुड़े रहो। ये हमारा कौन, ये हमारा सनातन धर्म की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, ब्रह्म विद्या का मार्ग है, उपनिषद का मार्ग है। कभी कभी टीवी और अखबार के ज्ञान से बचो, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। आपका मन कचड़े में लिपट गया, कचड़े में चला गया। हजार अच्छे महात्मा हैं, हजार अच्छे, मैं मिला दूं चलो 10-15 को, आप अच्छे महात्माओं के बीच में क्यों नहीं जाते हो? आपकी चित्त वृत्ति में वही क्यों बैठ गए? क्यों? क्योंकि आपका चित्त कचड़ा हो गया, कूड़ेदान में डाल दिया आपने। था तो हीरा लेकिन फेंक दिया आपने कूड़ेदान में, क्योंकि संगत का असर है। हाँ, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाए। तो अपने चित्त को अच्छा बनाओ। भावरा, हमने कई बार दृष्टांत दिया, भावरा और गुबरैला दो होते हैं। हाँ, भावरा है, उसको आप गंदगी में भी डाल दो तब भी उड़ करके वो फूल के ऊपर जाएगा, वहां से फूल को देखेगा। आप कमल का फूल देखते हो कि कीचड़? हमारे सामने तालाब है, तालाब है, उसमें कमल का फूल भी है, कीचड़ भी है, काई भी है, जोंक भी है, गंदगियां भी हैं। आप चले जाओ तो आपका पांव कीचड़ से सन जाएगा। क्या देखते हो वहां पे, कीचड़, काई या कमल का फूल? क्या देखते हो आप, कांटे देखते हो या गुलाब का फूल? क्या देखते हो? नजर आपकी, साधक बनो, साधक बनो, अच्छे को ग्रहण करो। गुबरैला है, उसको फूलों के बीच में भी रख दो तो ढूंढते ढूंढते वो गोबर में घुस जाएगा। हाँ, क्या बनना है, गुबरैला या भौंरा, क्या बनना है? मधुमक्खी है, नीम की पत्ती पर भी बैठती है, नीम के फूल पर भी, तो वहां से भी शहद ढूंढ लेती है, जिस फूल पर बैठेगी पराग ले लेती है, बढ़िया से बढ़िया। आपकी चित्त वृत्ति, आपकी चित्त वृत्ति में क्या है? आपकी साधना के लिए प्रतिबंध यही, कोशिश करो अगर समझ सको तो, समझने का प्रयास करो। हाँ, ऋषिकेश में हजारों संत हैं, कैलाश विद्यापीठ है, साधना सदन है हरिद्वार में, ओंकारेश्वर चले जाओ। मैं 50 महात्माओं का नाम गिना दूं तुमको, कम से कम दर्जनों का दर्शन कर चुके हो आप लोग, एक से एक विद्वान, प्रकांड विद्वान। तो आपको वही क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि आपका चित्त खराब है, आपके चित्त में दोष है, चित्त में ही संसार रहा। किसका शोधन करने जाओ? तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, ये गुरु के ऊपर छोड़ दो, ये आचार्य का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। इस एक गुरु का काम है, आचार्य का काम है, वो समझाएंगे कि भैया अपने आप को ठीक करो, आप तो अपने आप का शोधन कर लो ना। तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, बहुत प्रयत्न करने के द्वारा, बड़े प्रयत्न से अपने चित्त को शुद्ध करो। कभी कभी, कभी भी हमसे कभी कभी कोई निगेटिव बात करता है, मुझको लगता है कि इसका मन खराब हो गया है, एक कचड़ा लेकर के आ गया। अपने मन को ठीक करो, नहीं समझ आ रहा? नहीं, बगल में मछली की दुकान है, उसके बगल में अंडा बिक रहा है, उसके बगल में हम लोग नेपाल जब पार किया कोडारी बॉर्डर पे, जैसे चाइना में घुसे वहाँ पर तमाम बड़े बड़े जानवर, याद आया, बड़े बड़े जानवर के मांस बिक रहे हैं। क्या करोगे आप, क्या करोगे? उसी के रास्ते से जाना है आपको, आप अपना सर झुकाओ, अपने लक्ष्य की तरफ निकलते चले जाओ। आप में सामर्थ्य नहीं है कि आप पूरा मछली बाजार को बंद कर दो, अंडा बिकना बंद कर दो, शराब बिकना बंद कर दो। आपकी दृष्टि वहीं पर टिकी है, यानी आप वहां फंस गए, फंस गए। आपका चित्त जिस चीज को पकड़ रहा है, गंदगी को, सुगंध को। आपका चित्त आपका दर्पण है, आपको बता रहा है कि मैं इस धरातल पर हूं, मैं यहां फंस रहा हूं। हा? निकल सको, आचार संत हैं निकालने के लिए, हैं।
निकल सको तो निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो संत का कोई नुकसान नहीं है, शास्त्र का कोई नुकसान नहीं है, संत शास्त्र का कोई एक नया पैसा नुकसान नहीं है। बनाओगे अपना, खोओगे तो अपना, निकल जाओ इस माया जाल से। तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, बिल्कुल प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त का शोधन करो। अब मंत्र है, श्रुति भगवती का मंत्र है, चित्तम एव हि संसारा, आपका चित्त ही आपका संसार है, कहीं बाहर कोई आपको बांध नहीं। ये एक कहानियों में सुना होगा कि कहीं बाहर से कोई बंधन नहीं है, सुना है ना? ये कैसे बंध गए? जैसे बंदर बंध गया, जैसे आपने पेड़ को पकड़ लिया, बंधन कहां बाहर है? कहीं नहीं, जो है सब आपके भीतर है, सब आपके भीतर। अब जैसा है वैसे आपको दुनिया दिखती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो ब्रह्म वेत्ता है उसको ब्रह्ममय सृष्टि दिखती है ना, यही तो है, सिया राममय है सब। किसको दिख रहा है, किसको दिखेगा? जिसकी दृष्टि में, चित्त में सिया राम है, उसको सिया राममय दिख रहा है। तो कृत्वा ब्रह्ममयीम दृष्टिम, कृत्वा ज्ञानमयीम दृष्टिम, पश्येत ब्रह्ममयम जगत। बढ़ो आगे, मत फंसो, फंस गए ये बवाल में, चार लोग बैठ करके दूसरे की निंदा बुराई करने शुरू कर दो, फंस गए आप, फंस गए, नीचे गए। अन्यावाचा विमुंचत, अन्यावाचा विमुंचत, ये श्रुति है, अन्य सारे बातों को छोड़ो, आप अपने साधन के मार्ग पर चलो। ये श्रुति भगवती बहुत प्यार से जगह जगह पर समझाती हैं। अभी अभी पढ़ा था कि सैकड़ों मास से ज्यादा हितैषी हमारी श्रुतियां हैं, कठोपनिषद में आया था, सैकड़ों मास से ज्यादा हितैषी हमारी श्रुति भगवती हैं। तो आपको अपने अपने इस चित्त को ठीक रखो। हम पूरी सड़क को साफ करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है, पूरे लखनऊ शहर को हम ठीक कर दें, सामर्थ्य नहीं है। अपने मन को ठीक कर लो, बस आप आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, जो करेगा सो भरेगा, पीछे जाने दो। यत चित्त तन्मयो मर्त्यः, तन्मयो मर्त्यः, आपके चित्त में जैसा भाव है वैसे ही आप हो, इसको कहते हैं तादात्म्यपन। उसी भाव के साथ आपके चित्त में, आपके चित्त में राग की वृत्ति है तो आप रागी हो, आपके चित्त में द्वेष की वृत्ति है तो आप द्वेषी हो, आपके चित्त में प्रेम का भाव है तो आप प्रेमी हो। आपके चित्त में जैसा है तन्मय मर्त्यः, बिल्कुल वही ही हो, वही ही हो। एक बहुत पुरानी कहानी सुनी थी ना, कि किसी आदमी को जो है एक शीशा मिल गया, जिस शीशे में जिसके सामने करे उसका असली चेहरा दिखाई पड़ जाए, ऐसा पुरानी कहानी थी, याद होगा ना? तो शीशा में असली चेहरा, तो जिस आदमी के सामने लेके जावे तो कोई भेड़िया के जैसे दिखाई पड़े, कोई जो है लोमड़ी के जैसा दिखाई पड़े, यानी क्या, उसका शरीर मनुष्य का है और चित्त वृत्ति कैसी है, भेड़िया के जैसे, कोई लोमड़ी के जैसे, कोई कुछ और, कोई शेर के जैसे, मतलब वो पूरे बाजार में भ्रमण कर रहा है, एक एक के सामने शीशा लगा रहा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, हर आदमी अपने चित्त में कुछ न कुछ लिए घूम रहा है। ये कहानी कभी पढ़ी कि नहीं? उसमें तो वर्णन आता है कि फिर एक जूता बनाने वाला बैठा था, उसके पास जाकर के दर्पण लगाता है तो उसको आदमी दिखाई पड़ा। आपका जैसा चित्त वैसे ही आपका जीवन, आपका जीवन आपके हाथ में है। हम बार बार कहते हैं, बनाओगे तो अपना, बिगाड़ोगे तो अपना। शास्त्र और संत केवल मार्गदर्शक हैं, और इस जगत में एक बात बिल्कुल समझ के रहना, हम बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं, क्योंकि कठोर सत्य बोलने वाले संत मुश्किल से मिलेंगे, संत भी मुश्किल से मिलेंगे, नहीं तो ज्यादातर तो वही होगा, सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय भोले भय आस राज धर्म तन तीन कर होई दे गई। हमारा समाज ऐसा है कि जो भगत होते हैं उनको बहुत प्रशंसा करेंगे, बड़े पुण्यात्मा हो,
बहुत पुण्यात्मा हो, सत्संग में आए हो, सेवा करते हो, दान दक्षिणा चढ़ाते हो, ध्यान रखते हो, कपड़े लेके हो, तुम बहुत अच्छे हो, और वो प्रशंसा कर करके आपको डुबा देते हैं। सुधारेगा कौन? मुश्किल ये है कि जो सुधारने का प्रयास करता है उससे आदमी छिटक करके भाग जाएगा, क्योंकि पसंद नहीं है डंडे खाना। वो श्लोक में पढ़ लेते हैं तो हाँ कि गुरु कुम्हार हैं, शिष्य कुम घड़ा है, ऊपर से थापी देता है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन थापी लगे तो आदमी जो है कहता है राम चलो यहाँ से। तो अपने चित्त को देखो, आपका चित्त में चिंतन किसका है, किसका चिंतन? यतश्चित्ता यतः चित्ता तन्मयो मर्त्यः, जैसे चित्त है वैसे मनुष्य है। जैसा चित्त है वैसे मनुष्य है। गुह्यम एतत् सनातनम, गुह्यम एतत् गुह्यम एतत् सनातनम गुह्यम, ये सनातन रहस्यमयी बात है। अब श्रुति का मंत्र आता है तो फिर जो है मेरा जो है बिल्कुल उसकी बहुत हल्केपन में नहीं है। एतत् सनातनम गुह्यम, ये बिल्कुल सनातन रहस्य है, कोई बिरला समझ सकता है, कोई बिरला। चलिए अगला मंत्र भी पढ़ ले, कुछ तो आगे बढ़े ना गाड़ी। चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते। श्लोक ही अपने आप ठीक से देखो, अपने आप देखो। चित्तस्य ही प्रसादेन, जब आपका चित्त प्रसाद देता है, कल भी कहे कोई प्रसाद की चर्चा कर रहा था, कहाँ पर, कमरे में ना। हाँ, चित्तस्य चित्त के, चित्तस्य ही प्रसादेन, चित्त के प्रसाद के द्वारा जब चित्त आपको प्रसाद देता है तो हान्ति, हान्ति क्या, शुभाशुभम कर्म हंति, आपके पुण्य और पाप सारे कर्म का नाश कर देता है। चित्त का प्रसाद आपके शुभ अशुभ सारे पुण्य पाप को सब धो देता है। थोड़ा सा भाष्य देखना, कोशिश करना है। थोड़ा सा भाष्य ननु, शुरुआत से देखना इस ननु, अनादि भाव परंपरा उपार्जित सुख दुख प्रद पुण्य पाप कर्मणो सतः चित्त शोधनेन अपि कथम आत्मनः संसार निवृत्ति भविष्यति इति आशंक्य। चित्त प्रसाद उपलक्षित ब्रह्म अनुसंधानेन सकल कर्म क्षय उपपत्ते मा एवमिति परिहरति। यहाँ से ननु, देखो ननु माने लेकिन, एक बात बताओ, अनादि भाव परंपरा, ये भाव सागर अनादि काल से चला आ रहा है 84 लाख जन्मों में, अनादि भाव परंपरा, और अनेक अनेक जन्मों में उपार्जित हमने बहुत सारा कुछ भोगा है। क्या भोगा है? सुख और दुख, उपार्जित सुख दुख। सुख दुख क्यों भोगा है? क्योंकि पुण्य पाप कर्मण, बहुत सारे पुण्य पाप रूपी कर्म थे। तो अनादिकाल से 84 लाख योनियों से हम बहुत सारे जन्मों में गए, वहां पुण्य और पाप किया, जिसका परिणाम सुख और दुख हमने भोगा, और कुछ हमने गठरी बना करके रख लिया, उपार्जित, उपार्जित माने रख लिया। वो जो पूर्व पूर्व के संचित कर्म है, गठरी है, वो चित्त शोधने नपि कथम आत्मनः संसार निवृत्ति भविष्यति। आप कह रहे हो कि आत्मा को शुद्ध कर लो, चित्त को शुद्ध कर लो, तो चित्त के शुद्ध करने से वो गठरी कैसे खत्म हो जाएगी जो लाद रखा है 84 लाख जन्मों का? ये मन में शंका हो गई, तब यह श्लोक है। हाँ, ये प्रश्न है यहां कि आपने जो पूर्व श्लोक में कहा ना कि संतात प्रयत्न शोधे, उसको प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त को शुद्ध करो, तो कह रहे हैं चित्त के शुद्ध करने से, यहां चित्त का शुद्ध कर लेंगे, लेकिन जो और अनेकानेक जन्म का संचित कर्म है वो कैसे खत्म हो जाएगा चित्त की शुद्धि से, वो कैसे सिद्ध? चित्त प्रसाद उपलक्षित ब्रह्म अनुसंधान, यहां पर
देखना यहाँ पर जो है चित्त से ही प्रसाद है ना, तो चित्त के प्रसाद, प्रसाद माने क्या, चित्त प्रसाद उपलक्षित, चित्त प्रसाद माने क्या हुआ, ब्रह्म अनुसंधान, ब्रह्म अनुसंधान, ब्रह्म तत्व का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन करने से का सकल कर्म क्षय उपपत्ते, सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। कैसे, कैसे हो जाएगा, तो अब आपको एक पूर्व का दृष्टांत लो, ये एक दृष्टांत दिया छांदोग उपनिषद में कैसे नष्ट हो जाएगा। देखो चित्त, श्लोक का अर्थ देख, पहले श्लोक कर देखो, चित्त से ही प्रसाद है, चित्त के प्रसाद के द्वारा हंति सब नष्ट हो जाता है, कर्म सारे कर्म शुभ और अशुभ जितने भी हैं। प्रसन्न आत्मन स्थित्व, जब अपनी आत्मा में प्रसन्नता पूर्वक कोई स्थित होता है तो अक्षयम सुखम अशुनते, अक्षय सुख की प्राप्ति होती। ये है इस श्लोक का अनुवाद, कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है, लेकिन यहाँ पर यह है कि जब वो अपना चित्त शांत हो गया तो सारे शुभ अशुभ कर्म सारे नष्ट कैसे हो जाएंगे, ये मूल चीज है। ये यहाँ पर जो टीकाकार है उन्होंने कहा, तो छांदोग उपनिषद का जो दृष्टांत दिया वहाँ पर आया, तद्यथा येषी कतूलमग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे पापमना प्रदूयन्ते उपपातकेषु सर्वेषु पातकेषु महत्सु च प्रविश्य रजनी पादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत। किसी के पास है, देख लिया कहीं, अब जिनके पास टीका होगा देख लेने, है ना। ताद, देखो यहाँ पर ताद यथा, ये कैसे नष्ट हो जाएगा, तो यथा माने जैसे, एक सर्दी के समय में अलाव जला के बैठे हैं, चार छः लोग बैठ करके आग ताप रहे हैं, दादाजी भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, एक बच्चा एक पतली सी लकड़ी लेता है, एका तूलम, पतली सी जैसे वो सीख लेता है, सीख माने कौन, पुआल उवाल का जो डाल के जला लेते हैं उसी का एक सीख जैसा पतली सी लिया, और उस पतली सी सीख को पुआल वगैरह को लेकर के उस आग की तरफ प्रोतम उसकी तरफ डालता है, तो क्या होता है, वो सीख जैसे जैसे आग से छूती है पूरा का पूरा वो जलता। कभी किया हो कि नहीं किया हो, ये यही तो किया ही, और का किया और पतली सी हल्की सी पुआल वगैरह, पुआल या सीख कोई ऐसे सूप सनई वगैरह ऐसे लो, ऐसे छुआओ तो ऐसे ऐसे जलती जाती है, और हम लोग उसको दबाते जाते थे, मजा आता है। हाँ क्या संतों ने दृष्टांत ढूंढ के दिया, छांदों के प्रसिद्ध दृष्टांत थे। तो यदि तद यथा एसिक, एसिक तूलम अग्नौ, जैसे उसका मुख आप वहां जलाते हो तो जलता चला जाता है, ऐसे ही जब आपका चित्त, आपका चित्त ये सीख के जैसे उस ब्रह्म का चिंतन में लगता है ना, आत्मा की तरफ लगता है, तो सर्वे पाप मनः प्रदूयन्ते, ये चित्त के सारे पाप भस्मीभूत होते चले जाते। कौन कौन से, उपपात केसु सर्वेशु पात केसु महासुसा, छोटे बड़े पाप, बड़ा पाप, छोटा पाप, टेढ़ा पाप, मेढ़ा पाप, तरह तरह के पाप होते होंगे ना, तरह तरह के पाप कैसे होंगे भाई, पाप तो एक ही तरह का होना चाहिए, पाप और पुण्य एक ही तरह का होना चाहिए। बोले नहीं, पाप के हेतु अलग अलग हैं, पाप एक ही तरह का होता है। रुपया कितने तरह का होता है, अर्थ संपत्ति, रुपया तो एक ही तरह का होता है ना, कमाया कैसे, कमाया कैसे, उसके अलग अलग तरीके हो गए ना। रुपया एक तरह, आपने कहा रुपया कमाया, कैसे कमाया, नौकरी करके कमाया, व्यापार करके कमाया, मेहनत करके कमाया, परिश्रम करके कमाया, या बंदूक दिखा के लूट के कमाया, तरीका अलग अलग होगा, लेकिन रुपया उसी तरीके से। पाप और पुण्य यह एक ही तरीके का होता है, उसके हेतु अलग अलग होते हैं। कैसे हेतु, आपने गाय मारी, आपने ब्राह्मण को गाली दिया, ब्राह्मण की हत्या किया, आपने आचार्य का नुकसान किया, और क्या हर गुरु निंदक,
धादुर होई, आपने ऐसा किया वैसा किया, खेत में आग लगा दिया, आपने बस कुछ और कर दिया, बाण लेकर के मार डाला। पाप के हेतु अलग अलग हैं, पुण्य के हेतु आपने यज्ञ करके कमाया पुण्य, आपने दान करके पुण्य कमाया, आपने जो है गौ दान कर दिया, तरह तरह के ये जितने तरह के पाप होते हैं वो सब कह, इसलिए करें उपपात केशु सर्वे पाप मनः प्रदूयन्ते उपपात केशु, सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और उपपात भी। कौन उपपात? कौन? छोटे छोटे वाले भी। चीटी मर गई थी, केचुआ मर गया था, ऑल आउट लगाए थे, मच्छर मार डाले 500। ऑल आउट लगाने पे पाप होता है कि नहीं? ऑल आउट लगाने पर पाप होता है कि नहीं? पाप होता है कि नहीं? टेढ़ा मेढ़ा में पाप होता है कि नहीं? ऑल आउट लगाने पे पाप होता है कि नहीं? हिट मारने पर पाप होता है कि नहीं? नहीं होता। दौड़ा दौड़ा के काकरोच को मारते हो, ये शब्द नहीं जू, ये शब्द नहीं जमा तुम्हारा। दौड़ा दौड़ा के मार, अच्छा ये मच्छर देखा यहाँ पर बैठा हुआ है, ताक करके उसको मारता हूँ। क्या क्या हुआ? जो शब्द प्रयोग किया इंटेंशनली है कि नहीं? बड़े ध्यान से हमने मारा मच्छर कि नहीं? नींद में करते हो अलग है, लेकिन कई बार जो है ऐसे हाथ पे बैठ जावे तो उसको देखते हैं कि उड़ ना पावे, है ना, बड़ी सावधानी से मारते हैं। तो आपने उसको सावधानी से मारा कि नहीं मारा? क्या बात करते हो, ऐसे हाँ हिंसा हुई, बिल्कुल हुई। आईपीसी में कोई धारा नहीं बोल रहे हो? हाँ हाँ, डिफेंस में मारा है भैया, मच्छर काट लेगा तो बुखार आ जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, इसलिए आपने मारा है हमने, यही ना। तो खैर हर इच्छा है। मच्छर मारने से क्यों नहीं पाप पड़ेगा? मिलिट्री वाला जब वहां तैनात होता है, खुद पत्थर लाठी डंडा खा लेता है, बंदूक टांगे रहता है, वो नियम उसे पता है। आप मच्छर को उड़ा नहीं सकते हो? हाँ मर गए, पत्थर खा के मर गए, बंदूक बंदूक नहीं चलाई। अपनी नौकरी करते हुए सरकार का अपनी रक्षा के लिए चलाना चाहिए। बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल दिया वर्तमान का, अपनी रक्षा के लिए बंदूक चलाना चाहिए कि नहीं? कितनों कश्मीर में सब बेचारे पत्थर से पीटे। आज हमने संधि कर रखी तो ऐसे शास्त्र ने आपको संधि कर रखी, मर जाओ लेकिन मुर्गा मत खाओ। जब यहाँ आप देश के कानून की बात मान रहे हो तो वहां शास्त्र के कानून की बात क्यों नहीं मान रहे हो? डिफेंस में गोली वो भी चला सकता। हाँ ये बात बिल्कुल सटीक, वो भी आत्मरक्षा में गोली चला सकता था, मर गया लेकिन गोली एक भी ही नहीं चली। क्यों? जो पत्थर मार रहा है कश्मीर में, बड़ा फोटो आती थी ना, वो बेचारे आर्मी वाले पिट रहे हैं, बंदूक टांगे AK-47 टांगे हुए हैं, पत्थर खा रहे हैं, क्यों? आत्मरक्षा में, यही ना भाई, आत्मरक्षा वाली बात तो आपकी फेल हो गई। अब बताओ इस लोक का अर्थ हो गया, ठीक है अब हो गया। चित्त से ही प्रसादेन, आपका चित्त जब प्रसाद देगा शांत रहेगा, प्रसाद माने शांत रहेगा, हलचल नहीं होगी, तब शुभ अशुभ सारे संचित कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे। कैसे? जैसे ओ जो ओ सीख थी, वो जैसे जैसे आग के पास जाती है जलती जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपका चित्त आत्मा के पास जाता है तो सब कर्म समाप्त, और उसका परिणाम प्रसन्न आत्मनि, आप अपने आत्मा में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। अक्षयम सुखम अस्मते, अगला श्लोक बहुत ये बहुत सटीक है। गीता का उदाहरण दिया यहाँ पर, यथाई धान से समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते यथा, है ना, वो टीका में नहीं है, इसमें है, गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। जैसे जैसे चाहे जैसा भी कूड़ा कचड़ा हो अग्नि में जाने पर भस्म हो जाता है, ईंधन कैसा भी हो, 2 साल पुराना 20 साल पुराना, जैसे अग्नि में गया वो तत्काल सब भस्म हो जाएगा।
उसी प्रकार से यह ज्ञान की अग्नि, अपने ब्रह्म विद्या की अग्नि है, जीवन के सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए ज्ञान पवित्र करता है। समासक्तम यथा चित्तम जंतोर विषय गोचरे यद्येवं ब्रह्मणि स्यात् को न मुच्येत बंधनात्। यहाँ पर इसका नाम है कैमुतिक न्याय। किम उक्तम, कैमुतिक न्याय, क्या कहा जावे, क्या कहा जावे। आप लोग क्या कहते हो, भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने के दृष्टांत दिया, जथा पिपीलिका, जैसे एक चींटी भी, एक चींटी भी भगवान की कृपा से समुद्र को पार कर सकती है। आप समुद्र को पार करने जाओ तो पार नहीं कर पाओगे, लेकिन जब पुल बन गया, उस पर पुल बन गया, भगवान की कृपा से पुल बना, तब बड़े बड़े बंदर भालू ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं 10 योजन की छलांग लगा पाऊंगा, मैं 20 योजन की, मैं 50 योजन की नहीं, लेकिन भगवान ने करुणा करके पुल बना दिया, तो एक चींटी भी उस पर चढ़ के पार हो सकती है। इसको कहते कि अगर भगवान कृपा करें तो आपका भवसागर क्यों नहीं छूट जाएगा। इसको कहते कैमुतिक न्याय। किम उक्तम, क्या कहा जावे, तो ही कह रहे हैं समासक्तम यथा चित्तम। जंतो हो, यहाँ पर देखो, जंतो यथा चित्तम विषय गोचरे समासक्तम, ये है अन्वय। जंतो, जंतो माने प्राणी, हम सब इसमें आ गए, पुरुष स्त्री बालक वृद्ध सब जंतो, जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, हम सब का यथा चित्तम, जैसे हमारा चित्त विषय गोचरे समासक्तम, विषयों में बहुत अच्छी तरह से आसक्त है, जैसे समस्त प्राणियों का चित्त विषयों में आसक्त है, यदि एवं ब्रह्मणि स्यात्, अगर ऐसे पर ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो, यदि एवं ब्रह्मणि स्यात्, जैसे संसार के विषय में आसक्त है, ऐसे पर ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो, को न मुच्चेत बंधनात्, कौन ऐसा है जो बंधन से नहीं छूट जाएगा तत्काल। जितना संसार के विषयों में मन हमारा आसक्त है, अरे इसका आधा भी भगवान में आसक्त हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, श्लोक का अर्थ समझ में आया ना, बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, समासक्तम माने अच्छी प्रकार से आसक्त है, यथा जैसे चित्तम, चित्त किसका, जंतु का, जीव का, किसमें, विषय गोचरे, इंद्रियों के विषय में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। खुद अपने मन को सोचो, दिन भर में कितनी देर तक आप भगवान का सोचते हो और कितनी देर तक संसार का सोचते हो, अपने मन को विचार करो, कितना आसान है, कोई अपने मन का विचार करो, खुद ही पता लग जाएगा। कितनी देर तक आप जमीन जायदाद परिवार यश प्रतिष्ठा का सोचते हो, कितनी देर तक आत्मा का, हाँ वो सब 20 साल वगैरह कुछ नहीं, वो सब जो है टाइम पास है, सात्विक मनोरंजन, अगर सीधा कहें तो सात्विक आनंद है, रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी नहीं है, सात्विक मनोरंजन है, थोड़ा परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, साधक की कोटि में तो कोई विरला आता है। जैसे आपने भूगोल पढ़ लिया, इतिहास पकड़ लिया, साइंस पढ़ लिया, ऐसे आपने गीता पढ़ लिया, और चित्त तो वहीं आ सकता है ना, उसी संसार में। हाँ, तो ये शास्त्र कोई पढ़ने का विषय तो है ही नहीं ना, ये तो साधकों का है। तो अपने चित्त, आपके चित्त का गवाह आप स्वयं हो, क्योंकि सबका सब स्वतः प्रमाण है, परता प्रमाण नहीं। ऐसी कोई मशीन मेरे पास नहीं कि आपके चेहरे पर लगाऊं और आपके चित्त का हमको पता लग जाए। हाँ, महात्मा लोग कुछ अंतर्यामी होते हैं, जान जाते हैं, उनका अपना एक अलग नजरिया होता है, लेकिन इतना हम खाली नहीं बैठे कि सबके कचड़ा वाले चित्त को देखता रहूं। अगर कोई महात्मा होगा, कोई आप समझदार हो, तो समझदार होगे तो जहां कूड़ा दान बना हुआ है वहां पर सब जगह कूड़े को खोल खोल के देखोगे क्या, खाली भी है तो कूड़े घर की तरफ नहीं जाना।
देखोगे हा? तो अगर ज्ञाता भी है कोई, अंतर्यामी भी महात्मा है, तो सारे चित्त में जो कूड़ादान लिए घूम रहे हैं, मेरा कोई ये धंधा थोड़े कि सबके कूड़ादान को खोल खोल के बदबू ग्रहण कर रहे। तो वो कोई आपने कहा महाराज आप अंतर्यामी हो, मेरे दिल का हाल बताओ, मैं कोई खाली बैठा हूं क्यों बताएं तुम्हारे दिल का हाल हा? आप अपने दिल के स्वयं गवाह हो, आपका मन संसारासक्त है या भगवद आसक्त है हा? इसी सिद्धांत पर आप भक्ति को ले आओ, यही सिद्धांत भक्ति में ले आओ। भक्ति में वो कहेंगे भगवान का चलते फिरते सोते जागते उनके नाम का सुमिरन। जब भगवान से आपका चित्त आसक्त हो जाएगा, राधा रानी से चित्त लग जाएगा, तो कभी न कभी मोक्ष की प्राप्ति, ये सिद्धांत वहां पर लगा लोगे। अगला जो श्लोक है, दो श्लोक आपने पढ़ा हुआ है, वो दूसरे उपनिषद में भी मिलता है, अन्यत्र भी मिलता है, वो कई जगह पर मिलता है, और ये हमने पढ़ाया भी है, याद भी कभी कराया था, इसलिए इसका केवल अनुवाद कर देता हूँ। मनो हि दुविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं कामसंकल्पं। कहाँ संकल्पम लिखा है? ये जिस उपनिषद का मैंने पढ़ा वहाँ संकल्प लिखा है। आप लोग तो जो महाराज आप कहो सब धान 27 पसेरी, यहाँ कहाँ लिखा है? अशुद्धम काम संपर्कात शुद्धम काम विवर्जितम मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम् मनः। हाँ, मुक्त्यै निर्विषयम् स्मृतम्। इस बार बड़ा सावधान रहे तुम लोग, हम जो पढ़े वो दूसरे वाले ग्रंथ का। मुक्त्यै निर्विषयम् मनः वहां पर लिखा है, यहाँ पर शब्द बदल दिया स्मृतम। कभी भी जो है अब एक ग्रंथ का कहीं और पर लेते हैं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर उद्धरण नहीं दे रहे हो तो, उद्धरण दे रहे हैं तो ज्यों का त्यों, प्रमाण दे रहे हैं तो ज्यों का त्यों, और किसी और की रचना को हम लिख रहे हैं तो जैसे कॉपी जो करेगा हाँ वो एकाध स्पेलिंग में फर्क कर देगा ना, नकल वाला, तो उसको एक जरा सा अंतर करना पड़ता है। ईशा वास्यम इदम सर्वम, और फिर वो भागवत में क्या कह दिया, आत्मा वास्यम इदम सर्वम, बस। तो वैसे आसान सा अर्थ है, सब लोग पढ़े हुए हो पूर्व में, इसलिए मनो ही दुविधम प्रोक्तम, दो प्रकार का मन होता है जी, एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन, शुद्धम चा अशुद्धम, शुद्ध मन और अशुद्ध मन। अशुद्ध मन किसको कहते हैं? बोले अशुद्धम काम संपर्कात, अशुद्ध मन हो जो कामनाओं से चिपक गया, अनेक अनेक कामनाएं हैं, फिर कर्म करेगा, अविद्या के कारण कामनाएं हैं, कामना से कर्म करेगा, कर्म करेगा तो पाप पुण्य में विभाजन हो जाएगा, सुखी दुखी होगा, जो इस पसरे में जो है चिपक गया जिसका मन, वही जो है अशुद्ध है। अशुद्धम काम विवर्जितम, शुद्ध मन कौन? जिसके चित्त में कोई कामना ही नहीं, प्रजहाति यदा काम, बस। कितना आसान सा है, कठिन थोड़े है, बिल्कुल कठिन नहीं है। और इसी बात को पक्का कर लो, क्यों? कि आपके बंधन का कारण भी आपका मन है और मोक्ष का कारण भी आपका मन है, कोई दूसरा आपको बांधे ओंधे नहीं है, ना भगवान ना गुरु जी ना शास्त्र, किसी को जरूरत नहीं है आपके, आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो, जगह जगह पर। और आधार लेना चाहो तो काठक श्रुति में आया था, यस्तो विज्ञानवान भवति समनस्का सदा सुचि,
जो ऐसा विज्ञानवान है उसको ऐसा होगा। तो माने एव मनुष्याणाम, सारे मनुष्यों का मन, आपका मन ही आपके बंधन का कारण है, मोक्ष का कारण है। आपका मन जब संसार के जगत में आसक्त हो गया तो बंध गए, आपका मन परमात्मा में अलग गया, संसार के विषयों को मन से निकाल दिया, आप मुक्त हो गए। बस तत्व क्या, ये वस्त्र है, इस पे चार तरह का कचड़ा लग गया, कोयला लग गया, मिट्टी लग गई, किसी ने इस पर रंग फेंक दिया, कुछ और 10 तरह का लग गया, गंदा हो गया, सारे रंग साफ कर दो, धुल दिया, शुद्ध हो गए। फर्क कहाँ है? कमरे में कितने तरह का कचड़ा आता है, कमरे में कितने तरह का कचड़ा आता है? एक तरह का केवल धूल आएगा? हाँ, केवल धूल थोड़ी आएगी, वहाँ धूल भी है, क्यों कोई जो है किसी ने कुछ और पत्ता भी आ गया, आंधी चली थी, कुछ न कुछ और मिट्टी वगैरह भी आ गया, हो सकता है छिपकली वगैरह रहती हों तो वो और बढ़िया प्यारा सा गंदा कर दिया, एक किनारे में चूहा मर गया होगा, एक किनारे में 50 ठो मक्खी मर गई है, मच्छर मर गए, तमाम तरह की गंदगी है। उपाय क्या है? आप एक झटके में सब साफ कर दो, कमरा साफ है, बस देर कहाँ है। बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनो, खुद कोई देर थोड़े है, देर नहीं है स्वरूप की प्राप्ति में। इस प्रसंग का अंतिम श्लोक है, इस प्रसंग का यहाँ पर समापन होता है, इसीलिए छंद में परिवर्तन है। हाँ, समाधि निर्धोतमलस्य चेतसो, निवेशितस्यात्मनि सुखं भवेत, न शक्यते वर्णयेतुं गिरा तदा, स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते। समाधि, समाधि निर्धूत मलस्य चेतसा, समाधि माने अभ्यास वैराग्य के द्वारा जो समाधि लगाता है उससे निर्धूत माने धो डाला, किसको? मलस्य, सारी गंदगी को। कहाँ गंदगी थी? चेतसा, चित्त में जितनी गंदगियां थी, जितने दोष थे चित्त में, उसको अभ्यास वैराग्य से धो डाला, ऊपर की लाइन। अच्छा, जब साफ सुथरा हो गया तो क्या किया फिर आपने उस चित्त को? बच्चा गंदगी में था, साफ सुथरा आपने कर दिया, माताएं साफ सुथरा कर दिया, बढ़िया कपड़ा पहना दिया, फिर दिया किसको? उसके पिताजी को, ले घुमा लाओ थोड़ा, हम घर का काम कर लें। फिर वो बच्चे को लेके पूरा मोहल्ला घूमता है, है ना? तो ऐसे फिर अपना चित्त को साफ सुथरा करके कहाँ दे दो? निवेशितस्य आत्मनि, अपने चित्त का निवेश कर दो, किसमें? आत्मनि, अपने आत्मा में लगा दो। हाँ, शुद्ध चित्त को अपनी आत्मा में जब लगा दोगे तो यत सुखम भवे, तब जो आनंद मिलेगा ना, उसको न शक्यते वर्णय तुम गिरा तदा, गिरा माने बाणी, वर्णय तुम माने वर्णन करने में, न शक्य तुम, उस समय का सुख कोई वर्णन कर नहीं सकता। जब अपने मन को पहले साधना से साफ किया, उस चित्त को अपने आत्मा से जोड़ दिया, तब जो आनंद है उसका वर्णन करना संभव नहीं। लेकिन एक बात है, स्वयं तद अंतःकरणेन, उसको ये अब अच्छा, अगर कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता तो उसके होने में प्रमाण क्या? बोले स्वयं का अनुभव होता है, स्वयं का अनुभव होता है। तद अंतःकरण, अपने अंतःकरण से स्वयं अनुभव होता है। अब यहीं पर कह लो कि मूक स्वादन वत, एक गूंगा है और उसको हमने बहुत बढ़िया मिठाई खिलाई, मिठाई खिलाने के बाद हमने पूछा कैसी लगी, कैसी लगी, वो क्या बताएगा, क्या बताएगा? आप कह दो अनुभव नहीं हुआ उसको, खाया तो अनुभव है, बस गूंगा है ना, बोल नहीं पा रहा, लेकिन अनुभव हुआ उसका, बस इशारे से करेगा तुम भी खा लो पता लग जाओगे, यही तो करेगा ना, तुम भी खाओ पता लग, हाँ बस, हाँ अच्छी बढ़िया बनाए, ये हम किए हैं। कई बार मौन रहे हो ना, कभी कभी रहने नहीं दिए लोगों ने, तो ऐसे ऐसे करते थे, बढ़िया बनाए, झूठ है,
तो इसको कहते हैं स्वतः प्रमाण, परता प्रमाण नहीं। तो अपने भीतर का सुख स्वतः प्रमाण है। आप अपने चित्त से आनंदित हो, प्रसन्न हो, तृप्त हो, सुखी हो, शांत हो, इसमें प्रमाण आप स्वयं हो, किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप कैसे हो स्वयं चित्त को समझो। यहाँ ये प्रसंग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री।